प्रेरणाधर सुंदर साची, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि ओंकार की पहुंच कहाँ तक है, कृपया बतलाने का कष्ट करें। ओंकार कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमात्मा को पाना है। गीता में कहा है ओम इत्येतत् अक्षरम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, ये मंडूक उपनिषद का कथन है और गीता में भी यही संकेत किया गया है। सभी वेद शास्त्रों का मत है कि परमात्मा को शब्द की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो वाणी से परे है। उपनिषद में कहा है कि वाणी जहां से लौट आती है यतो वाच्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, बुद्धि न विचेष्टे, बुद्धि उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकती, चित चिंतन नहीं कर सकता, मन मनन नहीं कर सकता और उसको वाणी व्यक्त नहीं कर सकते, उसको ब्रह्म कहते हैं। पुराण संहिता में तो बहुत कह दिया कि बिंदु नाथ कलातीतम ब्रह्म अक्षर मुताहितम, अक्षर ब्रह्म को बिंदु से भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, किसी ध्वनि से व्यक्त नहीं किया जा सकता, किसी कला यानी चिन्ह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा ब्रह्म जो मन से वाणी से किसी भी संकेत से नहीं जाना जा सकता, उसको बोला कैसे जाए, क्योंकि संसार में तो बिना शब्द के काम नहीं चलता। इसलिए मनुष्यों का एक चिंतन हुआ और वेद में कहा गया है ओम क्रतो अस्मर क्लिवे, ओम क्रतो अस्मर, हे जीव तुम ओम का स्मरण करो। अब प्रश्न यह है ओम नाम क्यों कहा गया। आप जानते हैं परम धाम पूर्ण है, परम धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, पूर्ण में न कुछ घट सकता है न कुछ बढ़ सकता है। जितनी क्षर जगत में सृष्टि है उसको ये अधिकार है कि वो अक्षर ब्रह्म की भक्ति करे और निराकार से परे होकर बेहद मंडल में आनंद सुख का रसपान करे, जिसको वेद की भाषा में योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं या चतुष्पाद विभूति कहते हैं। वेद के कई मंत्रों में विशेषकर पुरुष सूक्त में चतुष्पाद विभूति का वर्णन किया गया है। पुरुष ए विदम सर्वम यत् भूतम यच्च भव्यम पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतादि, आगे कहा गया है त्रिवि पद्मिद्याम आरोहत पादसी अभवत पुनः, यानी ये चारों पाद प्रकाशमय चेतन और अखंड हैं, जिसको कहते हैं तारतम वाणी की भाषा में बेहद मंडल या योग माया का ब्रह्मांड, जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ, चेतन ब्रह्म चेतन शक्ति के साथ लीला कर रहा हो, उसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। काल माया के जो जीव होते हैं या तो साकार की भक्ति में लगे होते हैं या निराकार की भक्ति में, निराकार को परमात्मा मानकर जो ध्यान करते हैं शून्य समाधि में पहुँचते हैं, वो निराकार मंडल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस निराकार मोह सागर कारण प्रकृति में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब ब्रह्म का आभास पड़ता है व्यवहारिक रूप में समझने के लिए, उसको आदि नारायण कहते हैं और उसी आदि नारायण के संकल्प से सारी सृष्टि का कार्यभार चलता है। जो अखंड ब्रह्म है उसको किसी भी शब्द की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता, इसलिए उसको ओम कहा जाता है। ओम का अर्थ क्या होता है, इसमें तीन शब्द हैं, अक्षर हैं अ उ और म, अकारस्य उकारस्य मकारस्य प्रजापति। अकार का तात्पर्य है विराट, उकार का तात्पर्य है हिरण्यगर्भ, और जो म है वो कारण प्रकृति के लिए आता है, स्थूल सूक्ष्म जगत जिसको वैराट प्राज्य और तेजस कहते हैं, ये प्रकृति से संबंधित है। जो इन तीनों पर से परे है, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत से परे है, जो शब्दातीत है उसको कहते हैं, वही ब्रह्म का रूप है और इसको कहा गया है अद्वैत, सभी प्रपंचों से रहित। अ उ म के परे जो म में नीचे हलंत लगता है, वास्तव में ब्रह्म का वही स्वरूप है जिसको किसी भी शब्द से बोला नहीं जा सकता। वैसे वेद में परमात्मा के सैकड़ों नाम हैं गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, लेकिन मुख्य नाम ओम इसलिए माना गया है क्योंकि किसी भाषा की परिधि में नहीं आता देखा जाए तो। एक तरह से नासा के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि सूर्य से भी जो ध्वनि निकल रही है उसमें भी ओम की ध्वनि गुंजित होती है,
सिस्ट में जो सबसे पहले शब्द आया उसको भी ओम कहा जाता है, ये आध्यात्मिक जगत में मान्यता है, लेकिन धर्म ग्रंथों में अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम ओम कहा गया है। और जिन्होंने तत्व ज्ञान ग्रहण कर लिया, अक्षरात परतः परः अक्षरातीत की उपासना की, उस अक्षरातीत को वाणी की भाषा में राज कहते हैं, उनकी हिलादरी शक्ति को श्यामा कहते हैं, अपनी अपनी भावना होती है। शास्त्रों की भाषा में जहाँ भी आप ओम शब्द समझिए तो उसका संबंध अक्षर ब्रह्म से लिया जाता है, चतुष्पाद विभूति से लिया जाता है, और उसके प्रतिबिंब स्वरूप नारायण को भी ओम कह करके संबोधित किया जाता है। इसलिए ओम की पहुँच नहीं कही जा सकती, ओम तक की पहुँच कह सकते हैं, क्योंकि ओम ब्रह्म का वाचक नाम है और उसको किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।